सर कुछ पेशेंट्स हैं जिनके हाथ पैर में स्वेलिंग आती है, कभी पैर में स्वेलिंग आ गया, कभी हाथ में स्वेलिंग आ गया, तो इसका क्या रीजन है कि अचानक किसी भी कारण से स्वेलिंग आ जाता है? और कई ऐसे लोग हैं जिनके पैरों के तलवों में बहुत जलन होती है, तो क्या इस जलन का रीजन शुगर है? शुगर इज़ वन ऑफ द रीज़न। शुगर रीज़न नहीं शुगर का मैंने आपको बताया कई कई बार बीच बीच में, शुगर बॉडी कहीं भी डिपॉजिट कर देगी, पैरों के नीचे डिपॉजिट कर देगी, तो ब्रेन का जो कनेक्शन है सेंसेशन का या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो पैर अगर कील के ऊपर भी रखें, कील चुभ भी गया तो उसका एहसास नहीं होगा। अगर धूप में कई बार गर्मियों में पैर रख देगा खाली नंगा पैर, तो वो पैर जल जाएगा लेकिन एहसास नहीं होगा। फिर शाम को जब देखेगा पैर जला क्यों, अरे यार तब मैं धूप में गया था, मतलब ब्रेन ने का सेंसेशन स्विच ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ शुगर डिपॉजिट। या तो स्विच ऑफ हो जाता है या एक्सेस में ब्रेन उसको ज़्यादा अलर्ट देता है, यानी कि कोई छोटी सी हवा भी लग गई तब भी उसे बड़ी तेज़ी से ऐसा लगेगा बहुत पेन हो रहा है। तो यानी कि ब्रेन का जो एक पेन देने की सिग्नलिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दिया, जहाँ तो पेन देना चाहिए वहाँ तो दिया नहीं, और जहाँ देना नहीं चाहिए थोड़ी हवा लग गई यूं ही तब भी भयंकर पेन दिया। तो दैट इज़ द कॉज, यहाँ पे शुगर है, एक्सेस शुगर। ओके, हाँ ये चलता रहेगा तो घाव बनते रहेंगे, और जब घाव बनेंगे तो वो ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो शुगर ही है वहाँ पे। और शुगर में मैंने आपको बताया था कि जर्म्स अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ठीक ही नहीं होंगे, तो वो गैंग्रीन हो जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा पैर को तो काटना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट इज। तो उसके लिए क्या इलाज है, क्या करना चाहिए उसको? DIP डाइट के अलावा भी कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा है जो उसे करना चाहिए? उस पैर को धूप में रखे रोज एक घंटा धूप डायरेक्ट पड़े उस पे, अच्छा, प्लस DIP डेट पे रहे, अच्छा, तो जब ऐसा करेगा उसके तो पैरों के तलवों में धूप लगे लगे, अच्छा, बॉडी में लगे तलवों। और जिसको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है हाथ पैर में, उसके लिए स्वेलिंग की कारण प्रॉब्लम है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, पानी जम जाना बॉडी में, बोलते हैं जो लोग एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट छोड़ दे, वो खाने में सॉल्ट जीरो कर दे और DIP डेट पे आ जाए, ओके, स्वेलिंग एकदम नहीं चला जाएगा। ओके, कुछ सिकाई उकाई की जरूरत है उन्हें? नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसी लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, वो प्रॉब्लम बिकॉज बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, ज्यादा हो गया, आपके खून में पानी ज्यादा है, तो सिकाई से पानी नहीं जाने वाला।